यह श्लोक है धरती माता को प्रातःकाल जब हम पहली बार स्पर्श करते हैं उस समय बोलने वाला श्लोक। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमस्व में। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। समुद्र वसने, इसमें है वसन, वसन का अर्थ होता है कपड़े। समुद्र वसने देवी, सबसे पहली बात तो ये कौन सी देवी के लिए? पृथ्वी के लिए, धरती के लिए है। तो धरती के लिए बता रखा है कि धरती ने कपड़े किसके पहन रखे? समुद्र रूपी, जिसने समुद्र रूपी कपड़े पहन रखे हैं। सबसे बड़ी बात, समुद्र होता है पानी, समुद्र होता है पानी और हमारी अर्थ का 70-75% वाटर है, इसलिए यहाँ बता रखा है धरती ने कपड़े पहन रखे समुद्र के। पर्वत स्तन मंडले, पर्वत माउंटेन्स, स्तन उभरा हुआ भाग होता है, जैसे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है वैसे ही धरती के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होते हैं वो क्या होते हैं? माउंटेन्स। कैसे? ऐसे, ये धरती है, ये धरती पे इस तरह से माउंटेन्स होते हैं और ओशियंस यहाँ पर होते हैं। तो ये समुद्र रूपी कपड़े पहन रखे हैं और पर्वत रूपी से इसका उभरा हुआ भाग है। विष्णु पत्नी, हमको पता है विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी, फिर यहाँ सरस्वती, फिर यहाँ धरती देवी को विष्णु पत्नी क्यों कहा है? क्योंकि धरती का नाम वसुधा भी है और उसका मीनिंग होता है धन का खजाना। धरती ही ऐसी है जहाँ से हमें अलग अलग चीजें मिलती है, इसीलिए यहाँ पर विष्णु पत्नी से धरती को संबोधित किया है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार करते हैं। पाद स्पर्श, हमारे पैर स्पर्श छूना। शमस्व, क्षमा की प्रार्थना। में मैं, टोटल अर्थ क्या है? मैं धरती देवी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जो समुद्र रूपी कपड़े पहनती हैं, पर्वत रूपी जिनके स्तन हैं और जो विष्णु भगवान की पत्नी है। क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्योंकि मेरे पैर आपको स्पर्श कर रहे हैं।